क्राइम थ्रिलर विद अ कॉमिक ट्विस्ट एंड अ लिटिल बिट ऑफ हसीन ऊम्फ। नेटफ्लिक्स की नई फिल्म हसीन दिल रुबा में ये कॉम्बो जमा या नहीं, और रिव्यू करते हैं। एक न्यूली मैरिड कपल जिसकी बिल्कुल नहीं बनती, एक तीसरा आदमी जो हस्बैंड का कजिन है, एक रेजिंग अफेयर, और एक मर्डर मिस्ट्री। ये है इस कहानी के चार पिलर्स। बताओ मैडम, क्यों मर्डर किया आपने अपने पति का? ज्वालापुर में सेट इस कहानी की शुरुआत होती है एक ब्लास्ट से, जिसमें डेड बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं और बच जाता है सिर्फ एक हाथ। इंस्पेक्टर रावत इस केस की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं, जिसके जरिए राइटर कनिका ढिल्लन हमें ले चलती है फ्लैशबैक में। एक बिंदास और हाई ऑन हॉर्मोन्स लड़की रानी की अरेंज मैरिज होती है एक सहमे से, शर्मीले से, अंडर कॉन्फिडेंट से लड़के ऋषु के साथ। भाई पहले ही दिन से इस ऑड कपल की रिलेशनशिप टेक ऑफ नहीं होती, और फिर कहानी में एंट्री होती है ऋषु के कजिन नील की, जो एक बिंदास स्टड टाइप लड़का है। देवर और भाभी के बीच आंखों ही आंखों में इशारे शुरू होते हैं, और फिर अपनी बोरिंग मैरिड लाइफ और फुसकी पति ऋषु से परेशान होकर रानी का अफेयर शुरू हो जाता है नील के साथ, जिसके बारे में जब ऋषु को पता चलता है तो इस फिल्म की गाड़ी डायरेक्शन तो चेंज करती है, लेकिन स्पीड नहीं पकड़ती। मेरा मन करता है कि तुम्हारा गला घोंट दूं। Some fabulous dialogue writing from the very talented writer Kanika Dhillon is perhaps the only real highlight of the film for me. मगर अफसोस, सिर्फ मसाले अच्छे होने से बिरयानी भी अच्छी बने ऐसा जरूरी तो नहीं है, है ना? तापसी पन्नू as रानी कश्यप the दिलरुबा, the enchantress plays an edgier, non-Punjabi version of her character Rumi from the film Manmarziyaan. An extra dose of makeup and some oomphy saris do aid her in pulling off a character that may seem slightly out of place in the world of Jwalapur. लेकिन भाई इतनी सिनेमैटिक लिबर्टी तो अलाउड है। Vikram Massey plays Rishu, a young engineer who works for the Jwalapur Electricity Board. एक ऐसा आदमी है जिसके कई दबे हुए अरमान हैं, और लाइफ में एक फायर क्रैकर टाइप बीवी आने से ये थोड़ा हिल सा जाता है। Harshvardhan Rane plays a stereotypical debonair Devar Neel. His muscular frame and this bad boy vibe straight away helps him convey what his intentions are. Neel, who's a rafter by profession and the third wheel in this mix, sails through comfortably. भाई वैसे तो मैं स्पॉयलर्स कभी नहीं देता, मगर द क्लाइमैक्स ऑफ दिस फिल्म डिफाइज मेडिकल साइंस। अगर ये फिल्म 20 साल पहले आई होती तो शायद पब्लिक इंप्रेस हो जाती। अरे डायन आशिक के साथ मिलके हजम कर गई मेरे दोस्त, चीथड़ा उड़ा दिया उसके। कनिका ढिल्लन की सीटी मार डायलॉग राइटिंग, तापसी पन्नू, हर्षवर्धन राणे और विक्रांत मैसी के ऑप्टिमम परफॉर्मेंसेस आर दी ओनली थिंग्स दैट वर्क इन दिस फिल्म। डायरेक्टेड बाय विनल मैथ्यू, दिस फिल्म इज 128 मिनट्स लॉन्ग एंड एट टाइम्स इट फील्स लाइक एन इटर्निटी। भाई जल्दी आगे बढ़ो, खत्म करो। रन टाइम आधा घंटा कम होता तो और मजा आता। लेकिन हाँ, इस फिल्म को देखकर आप एक बात जरूर सीखेंगे कि जब सामने तीखी तेज मिर्च हो तो भाई जुगनू मत बनना, वरना कोई और बाजी मार जाएगा।